बेटा लेक्चर नंबर 24 में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 15 करते हैं। अब ये देखें, इसको पहले y के इक्वल लेट किया है। अब ये दोनों का रेडिकल साइन डिफरेंट है, मैंने दोनों को एक ही रेडिकल साइन में क्लोज कर दिया। ये रेडिकल साइन इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया। अब जब डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो गौर करें कि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस ये सेकंड एज इट इज और ये फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये देखें, यहां एक्स का डेरिवेटिव तो आगे हो जाएगा वन। ये देखें, ये एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया। अब इधर आए, यहां पर पावर रूल लगेगा, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे और वन बाय टू में से माइनस करेंगे वन। ये देखें, ये पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से कम किया, लेकिन इस बेस का डेरिवेटिव हमने अलग-अलग यहां लिया। अब ये देखें, यहां पर क्वोशन रूल आएगा, बॉटम का स्क्वायर बॉटम एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज बॉटम का डेरिवेटिव। ये जो पावर है इन दोनों की है, इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट कर दी। यहां पर भी 1 बाय 2 में से 1 गया है तो माइनस 1 बाय 2। अब इसकी पावर भी दोनों की मैंने अलग अलग कर दी। अब ये देखें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। यहां बच गया a माइनस x और 1, यहां बच गया a प्लस x और माइनस 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस x एज इट इज आ जाएगा, a माइनस x भी एज इट इज। तो ये x से x कट जाएगा, a प्लस a 2a बचेगा, लेकिन a प्लस a 2a। अब ये देखें कि ये हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखें, ए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहां पर एक स्टेप मैं और भी डायरेक्ट कर गया। ये देखें, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, और 2 में से 1 बाय 2 गया तो 3 बाय 2 बचता है। ये एज इट इज आ चुका, ये सारी वैल्यू जो है ना ये एज इट इज चलती आ रही है यहां। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए ये देखें, इस a माइनस x को की पावर 3 बाय 2 को मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं। ए एक्स ए माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, ए माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू, अब ये करें कि ये जो ए माइनस एक्स की पावर वन माइनस वन बाय टू है, पहले इसको नीचे लेकर आए, ए प्लस ये हमारे पास क्या है, इधर आए, ये देखें जी, ये a प्लस एक्स की पावर 1 बाय 2 है, तो ये a प्लस एक्स होना चाहिए हमारा। इसको मैं इधर लेकर आता हूं, ये a प्लस एक्स होना चाहिए। ये जो a प्लस एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2 है, इसको मैं नीचे लेकर आता हूं, a प्लस एक्स की पावर 1 बाय 2, और ये जो a माइनस एक्स की पावर 3 बाय 2 है, इसको भी मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 बाय 2 और a माइनस एक्स की पावर 1। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं जी। ये देखें, एलसीएम कैसे लेते हैं कि जो वैल्यू कॉमन होती है वो एक बार आती है, a माइनस एक्स की पावर 1 बाय 2, a माइनस एक्स की पावर 1 बाय 2, ये 1 सा टाइम आएगा, ये a प्लस एक्स की पावर 1 बाय 2, ये a माइनस एक्स। अब ये देखें, 1 2 3 1 2 3 तीनों वैल्यूज यही हैं, यहां ax एज इट इज आ जाए, ये प्लस, ये a माइनस एक्स की पावर 1 बाय 2 है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखें, ये दोनों वैल्यूज, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये बन सकता है a माइनस एक्स और a माइनस एक्स की पावर 1 बाय 2। इसको मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं
1 बाय टू और ये 1, ये 3 बाय टू बनेगा। ये a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट लिख देता हूं, यहां रहेगा ए एक्स, ये a प्लस एक्स की पावर 1 बाय टू, ए प्लस एक्स की पावर 1 बाय टू, और इसको हम इस तरह स्क्वायर में लिख सकते हैं, यहां आ गया a माइनस एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां हमारे पास बचेगा ए एक्स प्लस ये ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब ये देखिए इसका फाइनल आंसर मैं लिखने लगा हूं, ये लेंथी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ये हमारा फाइनल आंसर ये बनेगा। इधर देखें ये ए एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ये दोनों मिलकर बनेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3 बाय 2 ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।